नमस्कार दोस्तों, अनुपमा के आज के एपिसोड में अनु से पूछती है कि क्या वह वापस आया। अनु अनुपमा के बारे में सवाल करती है। अनु चौंक कर बैठ गया। अनु से कहती है कि उसने गलती की और माफ़ी नहीं मांगी। वह अनु से कहती है कि अगर उसने सॉरी कहा होता तो वह उसे माफ़ कर देती। अनु अनुज को बताती है कि अगर वह उसकी वजह से अनुपमा से लड़े तो वह गलती पर है। वह अनुज को बताती हैं कि कैसे उसने अनुपमा को विदा करने के लिए मनाने के लिए मजबूर किया था। अनुज से अनुपमा के साथ सुलह करने के लिए कहती है क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। अनु कहती है कि उसने सोचा था कि कभी कभी माया के साथ रहेंगे और फिर अनुपमा के साथ। कांता अनुपमा से यह विश्वास करने के लिए कहती हैं कि अनुज को उनके रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह अनुपमा से इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए कहती हैं। काव्या वनराज को मिठाई देती हैं। वनराज काव्या से पूछता है कि वह इतनी खुश क्यों है। काव्या कहती है क्योंकि तुम्हें खुशी हो रही होगी, अनुज अनुपमा नहीं मिले। डिंपल समर से बात करती है और कहती है कि उसके तलाक को अंतिम रूप देने के बाद वे जल्दी शादी करेंगे। डिंपल कहती है कि शाह की वजह से वह जल्दी उनसे शादी करना चाहती है। समर शादी के बाद अलग रहने का फैसला करता है। समर के फैसले के खिलाफ डिंपल वह कहती है कि शादी के बाद अगर लड़का अलग रहना चाहता है तो बहू आरोपी बन जाती है। डिंपल कहती है कि वह संभाल लेंगे। डिंपल का कहना है कि अनुज उनकी जिम्मेदारी लेंगे। समर का कहना है कि अनुज अनुपमा की जिम्मेदारी लेने में नाकाम रहे, वे उससे और क्या उम्मीद कर सकते हैं। डिंपल ने अनुज का पक्ष लिया और अनुपमा पर आरोप लगाया। वनराज अनुपमा से मिलता है और उससे पूछता है कि वह उसका फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी। अनुपमा वनराज को स्पष्ट करती है कि उसे उसकी आवश्यकता नहीं है। वनराज अनुपमा से कहता है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। वह अनुपमा को अनुज की तरह आगे बढ़ने के लिए कहता है। भावेश का कहना है कि अनुपमा का प्यार अनुज को अनुपमा के वापस लाएगा। लीला वनराज की तलाश करती है। काव्या कहती है कि वनराज अनुपमा को देखने गया था। लीला कहती है कि जल्द ही वह अनुपमा को अपने साथ रहने के लिए बुलाएंगी। समर और डिंपल की लड़ाई के बारे में शाहो को पता चल जाता है। लीला सोचती है कि यह अच्छा है। डिंपल और समर लड़ते रहें। माया यह जानकर चौंक जाती है कि अनुज अनुपमा से माफ़ी मांगेगा। पाखी अनुज को देखने मुंबई चली जाती है। बरखा को चिंता होती है कि क्या पाखी अनुज को उनकी साजिश के बारे में बताएंगी। अनुपमा पाखी को फ़ोन करती है और यह सोचकर चिंतित हो जाती है कि उसने अपना मोबाइल बंद क्यों किया। पाखी ने अनुज के साथ बात करने का फैसला किया। काव्या लीला से कहती है कि अनुपमा कभी भी वनराज के पास वापस नहीं आएगी। पाखी अनुपमा को अपनी मुंबई यात्रा के बारे में बताती है। माया बेचैन हो जाती है। धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। हम आपको ऐसे ही नए अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।